आप हो फ्रेश ज्वाइनर जिसने अभी तक शिप देखा नहीं है, आप वेट कर रहे हो अपने फर्स्ट शिप ज्वाइन करने के लिए, या अगर आप हो एक्सपीरियंस सीफेरर जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना चाहते हो, किसी बेहतर कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, या आप कोई भी हो जो घर पे वेट कर रहे हो एक शिप ज्वाइन करने के लिए, तो ये हो सकता है आपके लिए सही समय। आइए देखते हैं कैसे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ, और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई, और हमारे सारे शिपिंग ऑफिसेस, मेजॉरिटी ऑफ शिपिंग ऑफिसेस मुंबई में हैं। ठीक है, तो 31 अगस्त 2020 का जो लेटेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है, उससे काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली सी फेरर्स के लिए। तो अगर आप सी फेरर हो जो मुंबई के आसपास एरिया में या महाराष्ट्र स्टेट में आप रहते हो, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। या आप अगर कोई भी दूसरे स्टेट में हो जहाँ पर शिपिंग कंपनी का ऑफिस है, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका जरूर हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर आप मुंबई के आसपास में, महाराष्ट्र में किसी भी एरिया में रहते हो और आप फ्रेश सीफेरर हो, तो ये आपके लिए कैसे एडेड एडवांटेज हो सकता है दूसरे सीफेरर्स के ऊपर। पॉइंट नंबर वन, 31 अगस्त 2020 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो सर्कुलर है, उसके हिसाब से अब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल विदाउट ई पास किया जा सकता है। तो आप अगर मान लो मुंबई के आसपास के एरियाज में, विलेजेस में आप अगर हो, तो आप बॉम्बे अब ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी ई पास। पहले ये पॉसिबल नहीं था, तो हमारे जो फ्रेश सी फेरर्स थे वो अपने गांवों से मुंबई जा ही नहीं पा रहे थे, और उसके वजह से उनका कुछ काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आप जा सकते हो विदाउट एनी ई पास। ये एक नया डेवलपमेंट है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है न्यू सी फेरर्स के लिए। पॉइंट नंबर टू, अगर आपका बॉम्बे में रहने का ठिकाना नहीं है, तो एक बहुत ही खुशी की खबर दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लेके आई है, वो ये है कि आप लॉजेस और होटल्स जो है वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चालू रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो आपको लॉज में या होटल में रुकने के लिए कमरा मिलेगा 100% ऑक्यूपेंसी पे, होटल्स और लॉजेस चालू होने वाले है। ये भी बहुत बड़ी एक समाधानकारक डेवलपमेंट है लॉकडाउन मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत। डेवलपमेंट नंबर थ्री ये है कि अब प्राइवेट ऑफिसेस मुंबई के जो है उनको 30% ऑक्यूपेंसी से चलाया जा सकता है। मतलब 30% स्टाफ जो है एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल अवॉइड करेंगे, लेकिन 30% स्टाफ को प्राइवेट ऑफिसेस में जाना अलाउड है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो 100% शिपिंग ऑफिसेस इन मुंबई वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, वो अब मिनिमम स्टाफ ऑफिस में जाएगा, 30% लोग ऑफिस में जाएंगे और जो डेली ऑपरेशनल मैटर्स है वो हैंडल करेंगे। तो इससे क्या होगा, मुंबई में ऑफिसेस खुलेंगे, 30% लोग होंगे ऑफिसेस में धीरे धीरे। आप अगर मुंबई के आसपास के हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो मुंबई में, और आपका रहने का इंतज़ाम भी मुंबई में हो सकता है। तो अब आपका फ़ायदा इसमें क्या है कि आप बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं, हमको पता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अपना प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और शिप के लिए वेट करते रहते हैं, सबको जहाज एक ना एक दिन मिलेगा। लेकिन जो अभी महाराष्ट्र के बंदे हैं, महाराष्ट्र के हमारे बच्चे जो है जिन्होंने प्रीसी ट्रेनिंग किया हुआ है, उनके लिए ये एडेड एडवांटेज ज़रूर होने वाला है, क्योंकि मुंबई इज़ द हब ऑफ मैरिटाइम शिपिंग ऑफिसेस, एंड वहाँ पर आपको जॉब का मौका मिल सकता है अगर आप अभी अप्रोच करते हो तो। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है कि मुंबई के आंकड़े अब समाधानकारक है कोविड-19 के। तो अभी कोरोना अंडर कंट्रोल है मुंबई में, ऐसा कहा जाता है। उसकी वजह से जो है आप इजीली आप अभी जा सकते हो। सिचुएशन 2 महीने पहले ऐसी नहीं थी, लोगों को डर लगता था, लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी ओवर जॉब एंड एवरी अदर थिंग। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी कोरोना का काफ़ी कंट्रोल लग रहा है मुंबई में, जो खबरें आ रही है, न्यूज़ आ रहा है। तो आप बिंदास होके बॉम्बे जा सकते हो और अप्रोच करना चालू कर सकते हो। क्योंकि क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। लेट अस से फॉर एग्जांपल 1000 बहुत छोटा आंकड़ा है, 1000 कैंडिडेट्स एक महीने में पूरे इंडिया से मुंबई में आते हैं और आके शिपिंग कंपनीज में जाते हैं, अप्लाई करते हैं। कुछ तो हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अपने स्टेट से ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग ऑफिसर्स के चक्कर काटते हैं और इवनिंग में वापस घर चले जाते हैं दूसरे स्टेट में,
दे आर आउट ऑफ महाराष्ट्र, फ्रॉम आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी क्या होने वाला है, लेट अस अज्यूम 1000 बच्चे अगर इंडिया के बॉम्बे में आते हैं, न्यू सी फेरर्स, फ्रेश सी फेरर्स इन वन डे, वो होने वाले हैं एकदम कम। 1000 बच्चे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ बच्चे जो मुंबई में आ पाएंगे वो होंगे मुंबई के आसपास के एरिया के, या महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे जो है वही आ पाएंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत कम होने वाला है अगर आप महाराष्ट्र के हो तो, या अगर आप कोई और स्टेट के हो और आपके स्टेट में जैसे केरला, चेन्नई में भी ऑफिसेज है, मैरिटाइम ऑफिसेज है, शिपिंग कंपनीज के ऑफिसेज है, तो ये आपके लिए एक एडेड बेनिफिट होगा। और आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एज़ पर द DGS लेटेस्ट सर्क्यूलर 31 अगस्त तक की डेडलाइन थी, और 31 अगस्त के बाद जो बच्चे हैं या जो सीफेरर्स हैं जिनको शिप ज्वाइन करना है तो उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है ऑनलाइन जिन्होंने कोर्सेज अभी किए नहीं है और उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, तो अगर इस समय आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और आप अगर बॉम्बे में जा सकते हो, शिपिंग कंपनीज अप्रोच कर सकते हो वाया मेल या CV, आपने जो भी फॉरवर्ड किया है उनको स्लोली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि ऑफिसेज कैसे खुल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो हिसाब से अगर आप अभी अप्रोच करते हो तो यह हो सकता है आपके लिए एक सुनहरा मौका, और आप जिस शिप के लिए वेट कर रहे हैं महीनों से या सालों से, वो शिप आपको इस पीरियड में मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अभी क्लियर है तो आप ज़रूर ट्राई करिए, प्रोसीड करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन अभी काफ़ी लो है, और आपको और शिपिंग कंपनीज की भी सिचुएशन ऐसी है कि उनको ऐसे बंदे चाहिए जिनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, जिनको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत ना हो, और जो यंग हो, तो जिनको मतलब कोविड से ज़्यादा कुछ परेशानी ना हो पाए, जैसे सीनियर सीफेरर्स थोड़ा सा हेजिटेशन हो सकता है कंपनीज के मन में, लेकिन यंग सीफेरर्स अगर है 20-25 साल के यंग लड़के हैं तो उनको तो उतना इश्यूज कुछ नहीं है इन दिस पैंडेमिक। तो हो सकता है कि ये पैंडेमिक आपके लिए लकी साबित हो, और अभी आंकड़े कम हो रहे हैं, लेट अस होप कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने करियर को एक आगे स्टेप देने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% जॉब मिलेगा इसमें, लेकिन मेहनत करना तो अपना काम है, मेहनत करेंगे तो चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर्ड टू जब चीज़ें नॉर्मल होती है तब। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, मी नो इन माई कमेंट्स वॉट यू थिंक अबाउट इट, और ऑल फॉर ऑल न्यू सी फेरर्स आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट, कीप ट्राइंग एंड रिमेंबर वन थिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस फॉर कोविड। अभी तक कोरोना गया नहीं है, अभी भी है मार्केट में, तो आप जो भी शिपिंग कंपनीज में जाओगे या प्रोसेस करोगे या मुंबई जाओगे या मेहनत करोगे, प्लीज़ मेक श्योर ये सब करते करते आप ट्रैक आपका चला ना जाए, और आप ये जो कोरोना के प्रिकॉशंस है उसको लेना बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेक ऑल द प्रिकॉशंस, कीप एवरीथिंग अपडेटेड एंड स्टे फिट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि इससे आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे बस मोटिवेशन मिलता है। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो आप। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नवाब, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।